बड़कोट से बड़ी खबर है। चेतावनी के बावजूद सड़क पर नजर आ रहे हैं हिंदू संगठनों के लोग। पुलिस ने लोगों को नौगांव से 2 किलोमीटर पहले ही रोका। ये जानकारी है, हिंदू संगठन के लोगों ने सड़क पर बैठकर वहां पर नारेबाजी की। देखिए, प्रशासन लगातार ये चेतावनी दे रहा है किस तरीके से वो सड़कों पर ना आए आम लोग, और इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर उतरे हैं, नारेबाजी वहां पर हो रही है। ये कहा जा रहा है कि नौगांव से 2 किलोमीटर पहले लोगों को रोका था। पंचायत को स्थगित कर दिया है। पुरोला में धारा 144 लगी हुई है, इसके बावजूद भी जो हिंदू संगठन से जो जुड़े लोग हैं उनका जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर है। और जिस तरीके से बातें पहले आ रही थी कि पुरोला की तरफ हिंदू संगठन के कुछ लोग जो हैं वो कूच कर सकते हैं, और वास्तव में ही ये जो तस्वीर है वो सामने दिख रही है। मैं अपने साथी से जाऊँगा, वो ये तस्वीर दिखाएं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने पूरी तरीके से इनको रोक दिया है। आपस में नोकझोंक हो रही है कि किस तरीके से ये जाने की कोशिश की जा रही है पुरोला में, और इनको यहाँ पे रोका गया है। चलिए, हम कोशिश भी यहाँ पे करेंगे कि आखिर जब वहाँ धारा 144 लगी है, माँ पंचायत स्थगित हो गई है, उसके बावजूद भी हिंदू संगठन क्यों वहाँ पे जाना चाहता है, तरीन बताइए। मैं पूरे देश को एक संदेश देना चाहता हूँ, पूरे हिंदू समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आज हमारे उत्तराखंड के इन शांतवादियों में अशांत किया जा रहा है, मैं सभी को कहना चाहता हूँ, मैं सभी को चेताना भी चाहता हूँ कि आप सब आइए। आज जिस प्रकार से हमारे लोगों को पुलिस प्रशासन के माध्यम से जगह जगह पर इस पंचायत के लिए रोका जा रहा है, ये पंचायत किसी प्रकार का सांप्रदायिक पंचायत नहीं करवाना चाह रहे थे हम। ये पंचायत हमारे पहाड़ की बेटी बहू बहन और हमारे पहाड़ का जो गलत मैसेज बाहर को जाता है उसके लिए करवाई जा रही थी कि क्या किस प्रकार से इस पे रोक लगाया जाए, किस प्रकार से। हम किसी सांप्रदायिक, हम किसी पंथ निरपेक्ष, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ उन व्यक्तियों के हैं जो लोग हमारे इस पहाड़ की शांतवादियों को शांत कर रहे हैं। ये आक्रोश है इनका, और यहाँ पे ये भी कोशिश करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे रोक दिया, क्या कुछ करने जा रहे हैं फिर आगे? आगे हम अभी प्रशासन से, देखो, हम किसी भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, हम शांतिपूर्वक से अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। अगर हमें रोका जाएगा फिर हम आगे आंदोलन करेंगे। पुरोला में महापंचायत की इजाजत ना मिलने पर आज चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। शहर में जहां जहां पुलिस गश्त करती हुई नजर आ रही है। पुरोला शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। महापंचायत तो नहीं होने दी गई, मगर शहर में अभी भी पुलिस का कड़ा पहरा है। पुरोला में 19 जून तक धारा 144 लगाई गई है। अधिकारियों के साफ निर्देश हैं कि अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो सख्त कार्रवाई होगी। पुरोला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है। धारा 144 लागू कर दी गई है 19 जून तक, लेकिन पूरी तरीके से तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि मुख्य बाजार में पुलिस गश्त कर रही है, और ये तमाम क्षेत्रों का आलम है। बड़ी संख्या में उत्तराखंड पुलिस हो, फॉरेस्ट के जवान हो, गश्त कर रहे हैं, और सबको हिदायत दी गई है कि अगर कोई धारा 144 का कोई उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस के तमाम यहां पर ये अधिकारी मौजूद हैं। संतोष कुमार साह में इंस्पेक्टर है उत्तराखंड पुलिस में। सर, अभी कैसी स्थिति है, 144 धारा लागू है? हाँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे मार्केट में एकदम पूरी जो है 144 का पूर्णता पालन किया जा रहा है, और कहीं पर भी कोई इस तरह की बात नहीं है कि कहीं पर कोई जमावड़ा अनावश्यक रूप से जमा हो, और चारों तरफ पुलिस जो है मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। हिंदू संगठनों की महापंचायत को लेकर ये जानना भी जरूरी है कि आम लोग क्या सोचते हैं। ज्यादातर लोग तो यही चाहते हैं कि पुरोला में माहौल ना बिगड़े। तनातनी का तो कोई यही नहीं है, क्योंकि पहले भी शांति थी, अब भी शांति है। अब जो ये 144 लगाई गई, ये कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ के लोग बिल्कुल शांति में रहना चाहते हैं, और शांति में थे और शांति में हैं। पुलिस ही पुलिस है पुरोला बाजार में, बाकी तो जनमानस है ही नहीं। तो हमारा तो मानना है कि यहाँ तो शांति है। अब ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो हम तो इससे बहुत दूर हैं। पुरोला शहर में ऐसी कोई सड़क और मोहल्ला नहीं जहाँ पर पुलिस का पहरा ना हो। शहर छावनी में तब्दील हो गया है। लोग ये भी मानते हैं कि हालात इतने भी खराब नहीं थे कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भेज दी गई। इस पुरोला के माथे पे एक नया कलंक लगाने का काम करा है धारा 144 के नाम पे, वो बहुत ही दुखद है। और आज तक जो है पुरोला में ऐसा नहीं हुआ है। आप सब लोगों ने देखा होगा, आप सब लोग जो है
बाजार में रहे होंगे, आपने देखा कहीं पे ऐसी बात है जहां पे शांति भंग हो सकती थी? यहां पहाड़ में सब लोग शांत लोग हैं और इतना बड़ा मामला था ही नहीं है। पहले दिन से ही सरकार के लोगों ने इस मामले को बढ़ाने का प्रयास करा, पुरजोर प्रयास करा। हिंदू संगठनों ने भले ही महापंचायत स्थगित कर दी हो, मगर पुलिस प्रशासन अभी भी चौकन्ना है। अधिकारी नहीं चाहते कि पहाड़ की शांति व्यवस्था में कोई खाई पैदा हो। एबीपी गंगा के लिए पुरोला से अजीत सिंह राठी के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।